हेलो एवरीवन, हाय, आई एम सो सॉरी। लाइव है हम अभी। हाय हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को जल्दी से। गाइस, कुछ इमरजेंसीज हैं आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ओके, इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यार, तो आप हमारे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे जो नॉर्मली फ्री क्लासेस में नहीं होते हैं। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो प्लस क्लासेस में आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमारी एक पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी जिसमें एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को करना है। सो प्लीज़ इस प्लान को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हमारे बैच कोर्सेज शुरू हुए हैं, जैसे संकल्प, हमारी एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, लक्ष्य टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। बैच कोर्सेज में एक 8 मंथ का बैच है हमारा, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स ये स्टार्ट हुआ है। तो आप इनको एनरोल कर सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया और आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने का, तो फिर लेट मत हो, जरूर इस ज्वाइन करो, क्योंकि ये कोर्सेज हमने अभी शुरू कर दिए हैं। एक 8 जून से हो गया है, एक 29 तारीख से होने वाला है। तो इन कोर्सेज में अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप फटाफट इनमें एनरोलमेंट अपना कर सकते हो। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी आज की क्लास ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, बस आपको आंसर्स करना है। आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरे यहाँ पे अभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, मैं आपको ऑलरेडी उस इमरजेंसी के बारे में बता चुका हूँ, इस कारण से मैं लेट हो रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग और ज़्यादा आप लोगों के सेशंस ना हो पाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आज के लिए बस कॉपरेट कर देना डियर। ओके, पहला क्वेश्चन आ रहा है, फटाक से आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मध्य प्रदेश में धार जिले में पीतमपुर में, ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड कितने रुपए का निवेश करेगा? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, आज क्लास होगी, वो क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, बट क्लास तो होगी, क्लासेस मिस नहीं करूंगा यार आपकी। आंसर रहेगा इसका सी माय डियर, धार जिले में। ओके, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने देश का पहला सिग्नल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है? कौन है जिन्होंने इस नैपकिन को तैयार किया है? उषा पूजा, अमित, बताइए, पवन, मीना जी। तो आंसर रहेगा इसका हमारा ए, तो पर्यावरण के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र जी, ठीक है, इन्होंने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का संबंध किससे है? उषा बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो आंसर है इसका ए माय डियर। ओके, नेक्स्ट वन, कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है?
कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले पहले भारतीय, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जिन्होंने जगह बनाई थी कौन थे वो? जी, मैंने क्रिकेट आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली रिमेम्बर भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब, मेरे घर में मेडिकल इश्यूज हैं इस कारण से अभी, मतलब अगर मेरी जगह कोई और पर्सन होता तो वो लीव पर होता, मेरे कुछ प्रॉमिसेस हैं जो आप लोगों से हैं तो उनको मुझे पूरा करना है, द ओनली रीजन आई एम हियर एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड वन सी सेट फाइल, तो प्लीज चेक वन पीडीएफ वन मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को, तो एक बार गो थ्रू हो जाना, और बाकी की जो 2 और 3 पार्ट है वो कल और परसों में आपको मिल जाएगा। इंडेक्स में मैंने उसमें वो बना के रखा हुआ है 2 डेज 3 डेज, क्योंकि मुझे वो उतने दिनों में कंप्लीट कराना था आपका। तो मंजू, पूनम, प्रगति, सभी लोग प्लीज, आयुषी जी, शिवी, आप लोग एक बार देख लेना, पीडीएफ मैंने सी सेट की भेज दी, आप लोग को कंटेंट की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी, आई होप आप लोग ने देख लिया होगा पीडीएफ। तो आंसर है 11 का हमारा, ठीक है। डी, गौशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, यहाँ पर वाघ देवी है ना ये स्थित है। नेक्स्ट पर, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मुख्यतः मनुस्मृति किस चीज से संबंधित है? भेज दिया आज आप लोगों को, पार्ट वन आ गया है, पार्ट 2 भी आपको कल मिलेगा, और पार्ट 3, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है उस बुक में, इसीलिए अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ सीधे क्लास तो आप लोगों के लिए एटलीस्ट वो कंटेंट तो अवेलेबल करा दूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है, तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, धार्मिक कवियों का संकलन कोरल किस भाषा में है? मोनिका, उषा, एस के, किस भाषा में आंसर रहेगा इसका हमारा? बी माय डियर, कोरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है, मोपाल भी कहते हैं। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है कहाँ पर, इस शब्द का प्रयोग हुआ है कौशे शब्द का? कौशे कुछ इमरजेंसी में प्रज्ञा इस कारण से क्लास लेट हुई है, इसका आंसर है हमारा, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनमें मैं 15 सेकंड का टाइम दूंगा आपकी। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ठीक खड़े, मुगल शासन में मीर बख्शी का बताइए कर्तव्य क्या था? आ जाएगी बॉय, आंसर इसका हमारा डी, पूरा राजस्व अधिकारी था वो। अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था?
किसने सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? आंसर रहेगा इसका हमारा ए, देख लीजिए, ये मतलब दारा शिकोह, इसने किया था। बहुत ही प्रबल भाई, औरंगजेब का बड़ा भाई था। अगला, गोविंदमय जो हिंदू वास्तुकला का है ना अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? कुछ ऐसा नहीं हुआ है, सेम ही है, हो सकता है बाहर देखें। आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो आंसर रहेगा इसका हमारा एम आई टी, ओके, बम्बई में, देख लीजिए, जिसका आंसर 1942 में। अगला, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आंसर भारतीय राष्ट्रवाद किसका कथन था? ये आंसर है बी माय डियर, आर पोपलैंड, इनका कथन रहा है। अगला, मानवाधिकार है ना संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आंसर रहेगा इसका हमारा बी माय डियर, राज्य के सशस्त्र बल, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किस चीज की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था? किस चीज के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था? प्रज्ञा निधि दिलीप जी, आंसर इसका डी, तो राज्य है ना संघ केंद्र और राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की है ना परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत आंसर है माइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है? तो आंसर रहेगा इसका हमारा 25 का सी माय डियर, ओके, संसदीय कार्य मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार में सबसे ऊंचा पद कौन होता है? आंसर इसका सी माय डियर, ओके, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है किस चीज की?
संविधान किस चीज की मान्यता देता है? आंसर इसका सी। अगला, परिवर्णी शब्द एस आर ओ जो पूंजी बाजार में विविध बाजार में प्रतिभागियों के लिए प्रयुक्त होता है, इसका मतलब क्या है? आंसर इसका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? इसका सबसे ज्यादा योगदान आंसर है 29 का हमारा एम आई डी। ओके, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट वन, सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका मोनिका प्रज्ञा जी, सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से मिलता है? आंसर रहेगा इसका हमारा पीडीएफ, सबसे ज्यादा राजस्व हमें उत्पाद शुल्क से मिलता है। अगला, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है? कौन सी जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है? आंसर रहेगा इसका हमारा सीरियल, ठीक है, तो मुंडा जनजाति ये त्योहार मनाती है। अगला, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए अगर आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मेन रीजन क्या है इस मिट्टी के रंग का? आंसर है डियर सी, लाल मिट्टी का कारण होता है जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं? उषा, दर्शना, एस के, अमित, शिवी, प्रज्ञा, मोनिका। तो आंसर क्या है इसका हमारा? ठीक है, बी। नेक्स्ट वन, राजस्थान की, ठीक है, नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? गाइस कुछ इमरजेंसीज हैं, हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप लोग उसमें कर लेंगे, 50 क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, आंसर इसका ए माइट लॉ है। अगला, नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? आप लोग देख भी रहे होंगे, बार बार पॉज हो रहा है, तो वो नेटवर्क फ्लक्चुएशंस भी हो रहे हैं। 35 का आंसर है हमारा डियर ए। ओके, असम राज्य। अगला, निम्नलिखित में से किस एक के लिए है ना सतारा प्रसिद्ध है? 50 हम यहाँ कर लेंगे, जस्ट अभी 5 मिनट बाद ही मैं 50 क्वेश्चन आपको अपलोड अलग से कर दूंगा, तो 50 क्वेश्चन आप वहां से कर लेंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन फैकल्टी के। आंसर रहेगा 36 का हमारा बी माई डियर, पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है बताएं? तो आंसर इसका हमारा बी माई डी, ओके, जयपुर में मिलेगा। बताइए किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? सात वलय हैं, कौन सा ग्रह? थैंक यू, ऑलवेज वेलकम आयुषी जी, थैंक यू। तो आंसर डियर सिंपल सा सनी, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अगला, एक देश अपने, ठीक है, सेलिनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ, यह प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? सेलिनी मतलब जो टूरिस्ट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनकी बात। तो आंसर क्या था इसका हमारा डियर?
ठीक है, ए इसका आंसर है जापान, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसार की छत किसको कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, अरावली, पामीर, सतपुड़ा या म्यांमार। आंसर इसका हमारा बी माय डियर, पामीर, पामीर की नॉर्थ। तो संसार की छत पामीर को कहा जाता है, मध्य एशिया की दक्षिणी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, यशोदा जी, प्रगति, उषा, दर्शना जी, बताइए क्या आंसर इसका। आंसर रहेगा इसका हमारा डी माय डियर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सरे किरण की एक लक्षणिक विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता उसकी नहीं है, पढ़ लिया, थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया, पढ़ लो। आंसर था इसका हमारा डियर डी, ठीक है, ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। लोहे की कील में जंग लगने पर क्या होता है, लोहे की कील पर अगर जंग लगती है क्या होता है, तो आंसर है इसका हमारा बी डियर, जंग लगने पर उसका भार में वृद्धि होती है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा, धातु, आभूषण आदि बनाने में होता है, इसको यह नाम देने का कारण क्या है। किस कारण से हमने इसको यह नाम दिया है, तो आंसर है बताइए इसका, आंसर इसका सी। ओके यह देखने में चांदी जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकाश, ठीक है, क्रियाकलाप कहाँ चलता है, सुपर स्टार जी आप एक बार क्लास को बंद करके दोबारा चालू करो, आप पीछे चल रहे हो। आंसर इसका ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त है ना अक्षमणि में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, किडनी स्टोन बोलते हैं उसमें, किडनी स्टोन क्या है। आंसर है माय डियर इसका हमारा सी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक पकाने से पहले थोड़ा सा, ठीक है, खाना का सोडा भूते हुए आटे में क्यों डाला जाता है, तो आंसर इस है ए, केक को स्पंजी और मुलायम बनाया जा सकता है। गुड इवनिंग मुस्कान जी, पृथ्वी के चारों ओर भू स्थल उपग्रहों के घूर्णन की अवधि क्या है, उपग्रह की घूर्णन अवधि, ठीक आंसर रहेगा इसका हमारा ए, जितनी देर में पृथ्वी घूमती है उतनी उनकी घूर्णन अवधि होती है। नेक्स्ट, वह संयोजन जिसका प्रयोग, हाँ गाइस आ रहा हम कर,